हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय एवी। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजरात की स्पेशल स्नैक रेसिपी और इसका नाम है ढोकला। आपने बाज़ार से लाए हुए ढोकलास तो बहुत खाए होंगे और वो आपको पता है थोड़े से सॉफ्ट स्पॉन्जी और खट्टे मिट्टे होते हैं। उसी तरीके के ढोकला हम आज बनाएंगे और इससे बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं इसके लिए आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी। इसके लिए हमें एक बाउल में 1.5 कप पानी लेना है और इसमें हमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून जितना सिट्रिक एसिड, जो नींबू के फूल आते हैं उसे ऐड करना है। और इसी पानी में हमें 5 से 6 टेबलस्पून, यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड किया है। इससे जो मिठास आती है ढोकले में वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और मैंने जैसे पहले बताया, बाज़ार से लाए हुए ढोकला जैसे लगेंगे वैसे ही ये ढोकला बनेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून जितना हींग ऐड किया है। 1/2 टीस्पून यहाँ पे हमें टर्मरिक पाउडर ऐड करना है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये पानी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर यहाँ पे मैंने छलनी से छाना हुआ बेसन ऐड किया है। बेसन जो नॉर्मल मार्केट से हम लाते हैं वही हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और ये जो पानी हमने बना के रखा था उसे इसमें धीरे धीरे करके ऐड करना है और विस्कर की मदद से इसे मिक्स करना है। इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है और पानी को धीरे धीरे से हमें मिलाते जाना है। पानी यहाँ पे 1.5 कप ही लिया था मैंने। आप चाहे तो बैटर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हो, बट इस हिसाब से अगर आप इंग्रेडिएंट्स लोगे तो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो बाउल आपने बेसन के लिए यूज़ किया होगा उसी बाउल से आप सभी इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट कर सकते हो। इसे अच्छे से 1 डायरेक्शन में ही हमें मिक्स करना है। पाँच मिनट इसी तरीके से हमें इसे मिक्स करते रहना है और फिर इसे ढक के हमें 10 मिनट के लिए एक साइड में रखना है। आफ्टर 10 मिनट ढक्कन को हटाते हुए इस बैटर में अब हमें ऑयल ऐड करना है 1 टेबलस्पून। ऑयल मैंने नॉर्मली जो ऑयल हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं उसे ऐड किया है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 डायरेक्शन में मिक्स करना ज़रूरी है इस बैटर को। अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा है, उसे ऐड किया है और सेम 1 डायरेक्शन में मिक्स करते हुए जब तक के बैटर एकदम फ्लफ़ी सा ना हो जाए तब तक हमें यहाँ पे मिक्स करना है। आप देख पाओगे कि ये बैटर जो है वो फूल चुका है, एकदम फ्लफ़ी हो चुका है। अब हमें एक टिन लेना है। आप चाहे तो स्टील का जो बड़ा कंटेनर आता है कुकर वाला उसे भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम का केक टिन लिया है, उसे ग्रीस कर लिया है ऑयल से और जो बैटर है वो हम इसमें पोर कर लेंगे। अब ढोकला के टिन को मैंने इडली के जो स्टीमर है उसमें ऐड किया है। पानी ऐड किया था स्टीमर में, अच्छे से बॉयल होने के बाद ही टिन को इसमें रखा था और 20 से 25 मिनट के लिए ढोकला को स्टीम कर लिया था। अब ढोकला पूरी तरीके से स्टीम हो चुका है, आप इसे टूथपिक से चेक कर सकते हो। ठंडा होने के बाद डीमोल्ड कर लिया है। आप देख पाओगे कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ढोकला, जाली वाला ढोकला बनके तैयार है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। जैसे हम मार्केट से, बाज़ार से जो लाते हैं फरसान की दुकान से, वैसे ही ये बनता है। अब इसे मैं कट कर लूँगी। आप चाहे तो पहले कट नहीं कीजिएगा, आप इसमें तड़का पोर करके भी इसे कट कर सकते हो। मैं पहले ही इसे कट करूंगी और फिर इसमें तड़का पोर करूंगी। तड़का के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर मैंने 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और जीरा ऐड किया है। जैसे ये स्प्लटर हो जाएगा, अब यहाँ पर मैंने 2 ग्रीन चिल्ली को स्लिट करके कट किया है और इसे इसमें ऐड करना है। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पे करी लीव्स को ऐड कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे हींग ऐड किया है 1 टीस्पून। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना सीसम सीड ऐड करना है। वाइट टिल ऐड किया है। जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा सीसम सीड का, तब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जितना शुगर ऐड किया है। शुगर का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। शुगर को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे सॉल्ट एज पर टेस्ट ऐड करना है और फिर इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। पानी का मेजरमेंट भी सेम बाउल से, जो बेसन का बाउल है उससे ही लिया है। अब इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। अच्छे से बॉयल आने के बाद इस तड़का को हम ढोकला पे पोर करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और ये जो तड़का है वो मैं ढोकला पे पोर कर दूंगी। ये पूरा जो तड़का है उसे हमें ढोकला पे पोर करना है, इससे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे गुजराती ढोकला बनके तैयार है। एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।